अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। काफी दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो सकी, इसकी वजह ये थी कि मैं कोर्ट रिपोर्टर भी हूँ और इमरान खान के खिलाफ बड़े इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं। तो शाहखाना केस की समातें जारी हैं और इमरान खान इस वक्त आप सबको पता है कि अटक जेल में कैद हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं भी बिजी रहती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आज मौसम भी प्यारा है तो क्यों ना आप लोगों से बातचीत की जाए। आप लोगों के साथ मेरा ताल्लुक जो है वो इसी तरह बना रहता है और हम इसी तरह से कनेक्ट रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी भी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और अच्छा लगता है काफ़ी पढ़कर उन्हें। तो सब लोग आप इंजॉय कर रहे होंगे और खुश होंगे। बहरहाल आज मौसम की अगर मैं बात करूं, मौसम तो काफ़ी अच्छा है लेकिन खेलों का मौसम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है क्योंकि बड़े दो इवेंट्स आ रहे हैं, एक एशिया कप और दूसरा वर्ल्ड कप आ रहा है। पाकिस्तान के लिए जितना ये इवेंट ज़रूरी है और ये कि जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना वो इस इवेंट को लेके एक्साइटेड हैं, तो दूसरी जानब अगर भारत की बात करें तो भारत भी अपने इवेंट को लेके, उनके लिए भी ये बड़ा यूनिक, बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का इवेंट आ रहा है। तो वो लोग भी काफ़ी पुरजोश हैं। भारत की बात कर रही थी मैं तो उन लोगों ने भी अपनी तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली हैं। रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी टीम को प्रिपेयर कर लिया है और यहाँ बाबर आजम भी काफ़ी जोश में है और उन्होंने यही कहा है कि हम तो, हमारे लिए भी बड़े ये दोनों इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और बहुत बड़े इवेंट्स हैं, तो हमने भी बहुत ज़्यादा भरपूर तैयारी कर रखी है। तो बहरहाल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने अपनी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली है और अब इंतज़ार की घड़ियाँ भी, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इंतज़ार की घड़ियाँ कम होती जा रही हैं। होता है ना, इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती हैं लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियाँ कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। 30 अगस्त को इफ्तिताही मैच खेला जा रहा है और नेपाल की टीमें भी कराची पहुंच गई हैं। पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल खेलेगा और दोनों इफ्तिताही मैच का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, जिसके बाद इवेंट शुरू हो जाएगा और उसके बाद टीमें मुल्तान जाएंगी और इसी तरह से तवातुर से इस तरह से मैचेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। और हमारे जो स्टेडियम हैं वो खूबसूरती के मनाजिर पेश करेंगे, हमारी ऑडियंस स्टेडियम्स में जाएगी, अपनी टीमों को देखेगी खेलता हुआ। और यकीनन जहाँ पे हर जगह पे फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई से लड़ रहे हैं इस वक्त सब लोग और बेरोज़गारी है, बहुत सारे मसाइल हैं, तो ऐसे में सबको एक अच्छा इवेंट देखने को मिलेगा। तो सब लोगों के लिए एक बड़ा, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कि एक्साइटमेंट वाला मोमेंट आने वाला है। और जो दिन है वो भी कम रह गए हैं, 30 अगस्त को अब ये मैच शुरू होगा और इस वक्त नेपाल की टीम की बात करें तो वो भी कराची में मौजूद है। तो दोस्तों अब मुझे भी इंतज़ार है और यकीनन आप लोगों को भी इंतज़ार होगा। अपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एशिया कप को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और क्या क्या सोच रहे हैं। क्या कोई एशिया कप के लिए जाने वाला भी है, कोई मैच देखने जा रहा है किसी स्टेडियम में, तो ज़रूर बताइएगा। और ये कि मेरी भी कोशिश थी कि मैं जाती, मैचेस देखती, दो मैचेस के लिए मैंने अप्लाई तो किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेस नहीं थी तो मेरा एक्रेडिटेशन नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैं अटेंड तो नहीं कर सकूंगी। लेकिन ये कि आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत मेरी चलती रहेगी और एशिया कप में आपको इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि डेली मैं आप लोगों से बातचीत करूं। तो आप लोगों की भी कोई बातचीत होगी तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।